सद्गुरु कबीर की दो साखियाँ हैं, एक भीतर से है, एक बाहर से। उन दोनों साखियों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। शून्य सहज मन सुमिरते, सहज ढंग से, स्वाभाविक सरल ढंग से सुमिरन करते करते मन जब शून्य हो जाता है, विचारों से रहित, तब आत्मज्योति प्रकट होती है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ जो बाहर के सारे आलंबनों को छोड़कर, सारे आधारों को छोड़कर निरालंब, निराधार, असंग, अकेला हो गया है। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, जिसमें कोई बनावट, कोई पकड़ ना हो। जितना ही हम मन को दबाने की चेष्टा करेंगे, मन उतना और भागता जाएगा। मन जो चंचल है, चंचलता इसका स्वभाव है। और मन चंचल होता है देखकर, सुनकर, पढ़कर, किसी चीज का उपभोग कर। जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या उपभोग करते हैं, तो उसकी एक छाप हमारे मन में बन जाती है, एक संस्कार मन में बन जाते हैं। अब बार बार मन उसी की याद करता रहता, उसी का स्मरण करता रहता है। जितना स्मरण करते जाएंगे, उतना ही मन बहिर्मुख होता जाएगा। ध्यान साधना की शुरुआत में सबसे पहले मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। और मन ऐसे एकाग्र नहीं होगा, उसे कोई न कोई एक आधार चाहिए। जैसे कि आज आपको कहा गया था कि सांसों को देखना एक काम है मन को। बिना कोई काम किए मन रुक नहीं सकता है।
मन को एक काम दे। सांस देखना क्या है? मन के एक काम है। कोई गलत चिंतन बराबर उठ रहा है मन में, दबाइए मत, सही चिंतन करना शुरू करो। और मन भी एकाग्र तभी होगा जब सही चिंतन में, सकारात्मक चिंतन में, ज्ञान भक्ति विवेक के चिंतन में वो लगेगा। ऐसे मन एकाग्र नहीं होगा। और हम ये काम नहीं करते हैं, जब तक जागते रहते हैं उल्टा पलटा क्या पता नहीं क्या क्या सोचते रह जाते हैं, खुराफाती बातें दिमाग में चलती रहती है। अब खुराफात जिसका स्वभाव बन गई है, उसे चाहो कि वो चुपचाप बैठ जाए, नहीं होगा। कोई लड़का है बहुत चंचल, बहुत खुराफाती, और वह खुराफात में पता नहीं क्या क्या काम बिगाड़ डालता है। उसे जितना आप डांटोगे उतना वो विद्रोह करता चला जाएगा, आपकी बात मानेगा नहीं। आदत बन गई खुराफात करना। पहले उसे खुराफात रोकना है तो एक कोई सही काम दे दो, क्योंकि तो कुछ ना कुछ करना, इधर की चीज़ उधर, उधर चीज़ कर उधर करना उसका स्वभाव है। एक काम दो उसको, सकारात्मक काम दो, उसकी रुचि का काम दो। धीरे धीरे वो काम करते करते जो खुराफात करने का आदत है वो खत्म हो जाएगी। यही बात मन के लिए है। दिन भर हम उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, अब 10-15 मिनट आधा घंटा बैठे हैं और कहते हैं मन तो हमारा शांत नहीं होता। कहाँ से शांत होगा? बिहार के जो कुछ काम हैं उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, एक योजना बनानी होगी। लेकिन जब वो काम में लग जाए तब आप सही चिंतन करते रहें, सही बात सोचें, सकारात्मक सोचते जाएं, अच्छी आदत बनाए मन के, तब एक अच्छी आदत बन जाएगी मन की। तब वो धीरे से एकाग्र होगा, एकाएक एकाग्र नहीं होगा, चाहे कितने भी आप मेहनत कर लें। यहाँ तो आप कहते हैं कि शून्य सहज मन स्मृति, सहज ढंग से स्मरण करते कर जीवन का जो व्यवहार है सहज हो, सरल हो, सादा हो, सात्विक हो। तड़क भड़क व्यवहार वाला आदमी जिसे तड़क भड़क ज़्यादा पसंद है, दिखावा ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में, खाने पीने में, पहनाने में, हर चीज़ में तड़क भड़क ज़्यादा पसंद है, वह आदमी ध्यान का लाभ नहीं ले सकता। व्यवहार जितना सरल होगा, सादा होगा, सहज होगा और मन सकारात्मक विचारों में डूबा हुआ होगा, तब वह धीरे धीरे शांत होगा। सहज मन सुमिरते, ताकि मन से सहज रूप से स्मरण करते करते, किसके स्मरण करें, स्मरण तो मन कर ही रहा है, उन बातों के स्मरण न करें जिनके स्मरण करने से मन में चंचलता आती है, मन बहिर्मुख होता है, उत्तेजना आती है, मन विकारी होता है,
उन बातों का चिंतन करना बंद करें। ऐसी बातों का चिंतन करें जिसके चिंतन करने से मन के विकार घटे, उत्तेजना घटे, चंचलता घटे, बहिर्मुखता घटे। यह आदत जब बना लेंगे और तब ध्यान का अभ्यास करेंगे तो मन एकाग्र होगा, तब ध्यान का काम सही ढंग से बन पाएगा। और ये काम हम नहीं करते, सोचें सुबह से शाम तक जितना करते हैं क्या करते हैं, खुराफात के अलावा संसारी बातें रात दिन सोच रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं, वही सुन रहे हैं और चाहते हैं कि मन शांत हो जाए। संसारी बातों में कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यवहार के लिए आवश्यक है लेकिन वो थोड़ी है। एक बात याद रखें, दुनिया के जो काम हैं वे करनी है, चिंतनी नहीं है। चिंतनी है आत्मविवेक। करने से मतलब जो करने लायक है, जिसे करना चाहिए। तो दुनिया का काम करें, सबको करना है, जिसकी जैसी श्रेणी है अपने अपनी श्रेणी के अनुसार है, सब अपना अपना काम करें। लेकिन वो चिंतनी नहीं है कि रात दिन उसी के कि आप चिंतन करते रहें। जितना चिंतन करें, जितना चिंतन करें, जितना के बारे में सोचेंगे मन उत्तेजित होगा, विकारी होगा, राग द्वेष बढ़ेंगे, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, मन बहिर्मुख होगा। चिंतनी है आत्मविवेक। चिंतन ही करना है तो शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन करें, और हम कभी ये चिंतन करते ही नहीं हैं। संसार के जितने भी भोग हैं अल्पकालिक हैं, उनसे हमारा संबंध अल्पकालीन है। सारे भोग मिलकर के छूट जाने वाले हैं और अंत में तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं परिणाम क्या होगा। क्या सोचते हैं पहले अपना खुद सोचें। ऐसी बातों सोचने से फायदा क्या हुआ? तो दुनिया के जो काम हैं जिसे आप अपना कर्तव्य मानते हैं वो सिर्फ करनी है, चिंतनी नहीं है। ज्ञान की बातें सोचें, विवेक की बात सोचें, संसार और शरीर की नश्वरता और असारता के बारे में सोचें। जब तक मन संसार से हटेगा नहीं, उदास नहीं होगा, हारेगा नहीं, तब तक ध्यान साधना का काम बनने वाला है नहीं। उधर से मन हटाना है तो करना क्या है? अंत में होने वाला जो परिणाम है, अंत में क्या होगा? सबका वियोग। एक दिन हमारा शरीर ही नहीं रह जाएगा। कभी इस बारे में सोचते हैं? सोचें कि एक दिन मेरा शरीर नहीं रह जाएगा, ऐसे मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा, तो किससे क्या संबंध रहेगा फिर? जिनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हैं,
सोचें कि ये प्राणी और पदार्थ आपके साथ कब तक रहेंगे। वियोग को देखें, अंत में वियोग होना पक्का है, सबसे वियोग होना पक्का है। अंत में होने वाली जो स्थिति है उसके बारे में जितना सोचेंगे जितना सोचेंगे उतना ही मन उधर से उपराम होगा, और जहां से मन हटाना चाहते हैं उसमें दुख और दोष का दर्शन करना होगा। किसी चीज में जब सुख दृष्टि होती है तो मन बार बार उसी का चिंतन करता चला जाता है, क्योंकि सुख बुद्धि है, सुख दृष्टि है, तो बार बार मन उसका चिंतन करेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको भोग करूँ, कैसे अपने पास बना कर रखूँ। हर समय वो चीज़ दिमाग में सवार रहेगी। दुख दृष्टि करिए, दोष दृष्टि हो, दोष दृष्टि किसी मनुष्यों पर नहीं, जिनके जिनके लिए हमारा मन ललचा रहा है उनके लिए दोष दृष्टि और दुख दृष्टि। जितना उसमें दुख और दोष का आप दर्शन करते जाएंगे, सोते जाएंगे, उधर से मन हटता जाएगा। जब उधर से मन हटेगा तब कहीं अन्यत्र लगेगा, दोनों काम एक साथ करना होगा। शरीर संसार के जितने भी भोग हैं उनमें दुख दृष्टि और संयम साधना ध्यान चिंतन, इनमें सुख दृष्टि, कहीं ना कहीं तो मन लगेगा, निराधार तो होगा नहीं मन। यहां सहज मगर स्मरण करने की बात साहब कहते हैं, उसका मतलब क्या है? किसी नाम का जप करना नहीं है कि अमुक नाम का जप करते रहो, वो नाम जब भी मन की एकाग्रता के लिए है, कुछ समय के लिए जब हम किसी एक नाम का, जिस नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भावना है, किसी के मंत्र का जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भावना है, हम जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मन बाहर से कुछ देर के लिए एकाग्र हो जाता है, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं होगा उससे। बड़ा फायदा करना है तो भोगों के प्रति दुख दृष्टि और ज्ञान विवेक संयम साधना के लिए सुख दृष्टि, ये स्मरण करना होगा। स्मरण मतलब यहाँ चिंतन करना, ये स्मरण करना, स्मरण ही करना है ना, याद ही करना है, तो अच्छी बातों की याद करें। स्वरूप विवेक की बात याद करने में कौन सी कठिनाई है, लेकिन मन यहाँ ठहरता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास, हम अभ्यास नहीं कर पाते। जैसे कोई गाय हो, कहीं एक जगह गाय बांधी जा रही है बराबर, छोटी जगह है, गंदी जगह है, कीचड़ पानी से भरी हुई जगह है, लेकिन गाय वहीं बांधी जा रही बराबर, वहीं बंधते बंधते गाय का मन उस जगह में बंध गया है। अब उस गाय को वहां से निकाल कर हटा कर एक स्वच्छ साफ जगह में ले जाए, सुखी जगह में, गाय भाग करके उसी फिर गंदी जगह में जाना चाहेगी, क्योंकि वहीं बनते बनते बस मान लिया कि ये जगह बढ़िया है, लेकिन वहां से हटाकर बार बार हटा करके स्वच्छ जगह बांधते जा तो कुछ दिन में उसकी वहां आदत हो जाएगी बंधने की। बस ऐसे हमारे मन की दशा है,
विषय विकार गंदी जगह में बंध रहते रहे, चिंतन करते करते मान लिया यही सब कुछ है, यही जीवन का सार है। धन का चिंतन, पद का चिंतन, शरीर सुविधाओं का चिंतन, पुत्र परिवार का चिंतन, खेती बाड़ी का चिंतन, व्यापार बट्टे का चिंतन, ठीक है ये चिंतन करें निर्वाह के लिए, लेकिन इनमें से आपका साथ देने वाला कौन, आपके पास स्थायी रहने वाला कौन? कुछ भी तो सदा साथ देने वाला नहीं है, स्थायी रहने वाला नहीं है। और इनके जितना चिंतन करेंगे आज तक पाए क्या? मन की चंचलता, बैरमुक्ता, उत्तेजना के अलावा और क्या मिला? फिर भी मन वही वही दौड़ रहा, उधर से ग्लानि नहीं होती है। जब तक ग्लानि नहीं होगी तब तक मन उधर से हटेगा नहीं। गुरुदेव जी अक्सर कई बार ये उदाहरण दिया करते थे, एक आश्रम में एक संत रहते थे, अच्छे संत थे, साधना परायण। एक बार गुरुदेव जी ने उस संत से पूछा, साहेब साधना बराबर चल रही है ना? तो गुरुदेव जी बताते थे उन्होंने एकदम नाक भाव सिकोड़ करके दुखी होते हुए कहा, क्या बताऊं, सब तरफ से घृणा नहीं होती है। तो घृणा करने का मतलब, मनुष्यों से यहां घृणा की बात नहीं है, मतलब मन संसार से हटता नहीं है, बराबर ललचाता रहता है। तो मन जब संसार पर ललचाता रहेगा तो आत्मचिंतन का काम कैसे होगा और ध्यान साधना का काम कैसे होगा? साहब यहां कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरित, सहज रूप से सुमिरन करो। सहज सुमिरन करने का मतलब क्या है? आत्मविवेक का चिंतन करो, ज्ञान का, भक्ति का, दया का, समझ जो सद्गुण सदाचार हैं उनका चिंतन करो, हर बात में सकारात्मक विचार रख करके चिंतन करें। जब इससे मन मजेगा तब ध्यान में बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा, शांत होगा। अब शांत मन से फिर मन को देखते चले जाएं, मन बाहर से लौट गया है, फिर उसी मन से उसी मन को देखते चले जाएं और जो विचार मन में आ जाए छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। मिलना नहीं है, ये विचार अच्छे विचार है, ये विचार गलत विचार है, कुछ नहीं है। सारे विचारों को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते चले जाएं, क्योंकि आप विचार नहीं हैं, आप ही विचार होते तो विचारों का त्याग आप नहीं कर सकते। आप विचार नहीं हैं, आप विचार करने वाले हैं, विचारों को उठाने वाले, पकड़ने वाले, छोड़ने वाले हैं। विचारों के आप दृष्टा हैं। तो जब मन शुद्ध हो गया है, संयत हो गया है, अच्छे विचारों में डूबा हुआ है, फिर उन अच्छे विचारों को भी सोचना को भी छोड़ देना है। जब व्यवहार काल में हो तो हर समय अच्छे विचार करने की आदत बनाए, जब भी सोचना है, जिसके बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है। लेकिन जब साधना करने के लिए बैठना है तब उन अच्छे विचारों को भी छोड़ने का काम करना है। विचार तो विचार है, क्योंकि वो विचार आप नहीं हैं। जो अच्छी बातें सोच रहे हैं वो भी आपसे अलग है।
उन बातों को भी छोड़ने का अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करते 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 जब सारे विचार छूट गए, कोई विचार मन में नहीं रह गया, तब शून्य की अवस्था आती है। शून्य की अवस्था का मतलब यहाँ पर है विचार शून्यता, न कि सत्ता की शून्यता। विचार शून्यता सत्ता की शून्यता नहीं है। आप तो रहेंगे उस समय, आपकी सत्ता का नाश थोड़े हो जाएगा, आपका अस्तित्व मिट थोड़े जाएगा। मन मन से विचार शून्य हुए हैं, मन पूरी तरह शांत हो गया है। प्रकट भई एक ज्योति, आपको तब आत्मज्योति प्रकट होती है, मतलब आत्म अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अपने स्वरूप का सही ढंग से बोध होता है। अभी जो हम जानते हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, असंग हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, ये हमारा जानना केवल शाब्दिक है, इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। ठीक, अपने स्वरूप का बाहरी रूप से भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जितने विचार की गहराई उतरते जाएंगे आप, उतने अपने असंगता का बोध होता चला जाएगा। और जब उतरते उतरते विचार पूरे की पूरे शून्य हो गए, तब असंगता का पूरा अनुभव हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा है कि तज धरती आकाश अधर में प्रेम मरैया सावे, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। और शून्य शिला क्या है? मन की शून्यता, विचारों की शून्यता। वहां कोई आलंबन नहीं है, वहां आप अकेले मात्र हैं। जो भी आलंबन लेंगे वो आपसे अलग हो जाएगा। तो मन जब विचार शून्य हो जाता है तो आत्मज्योति प्रकट होती है। वो ज्योति, आत्मज्योति प्रकट होती है, वो कोई अलग ऐसे ज्योति नहीं है कि जैसे आप देखते हैं। साहब ने अंतर ज्योति की बात कही है। अंतर ज्योति किन प्रकाशा, साहब ने कहा है अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ये तो बीजा की पहली रमैनी की पहली पंक्ति है। दूसरी में कहा है कि अंतर ज्योति किन प्रकाश है, वो अंतर ज्योति क्या है? आपका अपना होना, ज्ञान प्रकाश। तो वहाँ ये मत समझना कि वहाँ कोई प्रकाश दिखाई पड़ेगा, फिर प्रकाश दिखाई पड़ेगा, प्रकाश भी अलग हो जाएगा। वो आपका होना है बस। ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। सदगुरु कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जो निरालंब हो गया। निराधार, आपको कहा गया था कि सांस देखना है एक आलंबन, एक आधार, मन को एक जगह केंद्रित करने के लिए, ताकि मन बाहर की बातों को न सोचे, अनावश्यक बातों को न सोचे। लेकिन ये आधार जो दिया गया सांप देखने का, निराधार होने के लिए है। पहले आधार पकड़ना होगा। जब उस आधार में मन रुक जाए, बाहरी और आधार न ले, एक शुद्ध आधार ले लिया, चाहे वो आधार सांप हो, ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, अपने इष्ट या गुरु का कोई चित्र हो, ये सब आधार हैं, एक आलंबन है। अपने अपनी रुचि और मान्यता के अनुसार विभिन्न मत के संत साधक इन आलंबनों को लेकर मन को रोकने का, ठहराने का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार है, ये कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या कुछ है नहीं।
ये आधार को लेकर के जब मन यहाँ रुक जाए तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ना निराधार होने के लिए। आपका जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, वो निराधार है, बिल्कुल असंग। लेकिन ये बात ना तो एकाएक समझने में आएगी और निकायक इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इस पर जितना हम गहराई से चिंतन करते जाएंगे और फिर साथ साथ अभ्यास करेंगे तब ये बात समझ में आएगी और इसका अनुभव होगा। थोड़े समय चिंतन से ये कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी ताकिन साहब कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। यहाँ भी बात वही है, सुमिरन सुरति लगाए के अपनी सुरति को, सुरति यहाँ है वृत्ति, मनोवृत्ति। अपनी मनोवृत्ति को आत्मचिंतन में लगा, स्वरूप चिंतन में लगा, विवेक चिंतन में लगा दो। हमारी मनोवृत्ति बाहर भटकती रहती है, हमेशा बाहर भटकती, हमेशा बाहर भटकती रहती है, स्थिर वो नहीं होती। साहब कहते हैं अपनी उस मनोवृत्ति को स्मरण आत्मचिंतन में, विवेक चिंतन में लगा। जब सोचें आत्मचिंतन की बात सोचें, अपने स्वरूप की अमरता और असंगता की बात सोचें, मुख से कछु न बोल। और साहब कहते हैं साफ साफ, मुख से बोलो मत। मुख से न बोलने का अर्थ है वाक संयम। जो आदमी दिन भर बोलता रहेगा, निश्चित है उस आदमी का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। रात दिन बोलते रहना मन की चंचलता का परिचायक है। जितना मन चंचल रहेगा, उद्वेगित रहेगा, उतनी हमारी जबान चलती रहेगी। और जितनी जबान चलती रहेगी, मन उतना चंचल होता चला जाएगा। ये शिकायत तो धर्म साधना के मार्ग में चलने वाले अधिकतम लोगों की है कि मन ठहरता नहीं, क्या करूं साहब, मेरा मन बहुत चंचल है। कभी आपने शिकायत की कि मेरी वाणी बहुत चंचल है, कि मैं बहुत बोलता हूं दिन भर में? ये शिकायत कभी नहीं की होगी, वो तो आदत बना ली। कोई कह दे कि आधा घंटा चुप रह जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन चंचल है, इस बात का दुख है। वाणी चंचल है, इस बात का कोई दुख नहीं है। और जब तक वाणी चंचल रहेगी, मन चंचल बना ही रहेगा, चाहे जो आप काम कर लो। हम मनुष्य हैं, सारा व्यवहार बोलचाल का व्यवहार होता है, ज्ञान का दान प्रदान वाणी से ही होता है। तो उतना बोले ना कि जितने से व्यवहार चल जाए, अनावश्यक क्यों बोले। तो मुख से कछु न बोल का मतलब है वाक संयम। अब इस समय साधना पीरियड में आपसे कहा गया कि 7 दिन तक आप न बोलें, देखते हैं कि यह कितने लोग इसको साध पाते हैं। ध्यान का लाभ लेना है तो मौन, वाणी का मौन जरूरी है। यहाँ तो आप कहते हैं मन को आत्मचिंतन में लगा दो, मनोवृत्ति को आत्मचिंतन में लगा दो और बाहर बोलना कम कर दो।
मौन हो जाओ, बाहर के पट बंद कर, बाहर के जो दरवाजे हैं इनको बंद कर दो, अंदर के पट खोल और अंदर का दरवाजा खोल लो। अन्योक्ति है साहब के, बाहर के पट आंख नाक कान जीभ त्वचा, जिनके माध्यम से हम दुनिया का ज्ञान करते हैं, दुनिया के विषयों को ग्रहण करते हैं। यहां बंद करने का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम, देखने में, सुनने में, खाने में, छूने में, सब में संयम। जब तक जीवन है इन इंद्रियों से काम लेना पड़ेगा, इन्हें हम एकदम बंद नहीं कर सकते, इनसे काम तो लेना पड़ेगा लेकिन संयमित, ऐसा न देखें जिस देखने से मन विकारी हो, चंचल हो, मन में उत्तेजना आ जाए, ऐसा न सुने जो सुनने से मन में विकार उत्तेजना चंचलता बढ़े, ऐसी कोई चीज ना खाएं जो खाने से शरीर में गर्मी बढ़े, उत्तेजना बढ़े, विकार बढ़े, ऐसी कोई चीजें ना छुएं जिस छूने से मन उत्तेजना विकार चंचलता बढ़े, ऐसी किसी चीज का प्रयोग ना करें जिसका प्रयोग करने से उत्तेजना आती हो, विकार आता हो, मन चंचल होता हो, बस यही बंद करना है। फिर ऐसा देखें जिसको देखने से मन में अच्छी भावना जगती हो, चंचलता दूर होती हो, उत्तेजना घटती हो, ऐसे शब्दों को सुने जिन शब्दों को सुनने से अच्छी प्रेरणा जगती हो, ज्ञान के लिए, भक्ति सेवा साधना के लिए प्रेरणा जगती हो, ऐसी चीजें खाएं जो कि मात्र शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो। मन और इंद्रियों के भी सारे गलत व्यवहार जो मन इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं उनको छोड़ करके उन व्यवहारों को करना जिस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है और जिससे अच्छी संस्कार बने, बस यही संयम है। बाहर के पट बंद कर, जब तक इंद्रिय संयम नहीं होगा तब तक साधना कभी आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए संयम की महति आज है। धम्मपदम में जहां भिक्खु वग्गो है, भिक्खुओं के लिए तथागत बुद्ध ने अपनी बातें कही है, वहां उन्होंने सब पर संयम करने को कहा है। चक्खुना संवरो साधु साधु सोते न संवरो, ये पर सब पर कहा है कि आंखों पर संयम करना उत्तम है, कानों पर संयम करना उत्तम है, जीवा पर संयम करना उत्तम है, मुख पर संयम करना उत्तम है। फिर उन्होंने कहा कि मन पर संयम करना उत्तम है, तब अंतिम में कहते हैं सबथ संवतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति, जब सारी इंद्रियों पर और मन पर पूरा संयम हो जाता है तब सब दुख पहुंचती, सारे दुखों का नाश हो जाता है। यहां कबीर साहब कहते हैं बाहर के पट बंद कर, बाहर का पट जो इंद्रियां हैं जिन सब विषयों का ग्रहण हम कर रहे हैं उनको संयमित कर दो, तब अंदर का जो पट है, मन का जो दरवाजा बंद है, विवेक का जो दरवाजा बंद है वो दरवाजा खुलेगा और तब अंतर प्रवेश होगा। अभी अंतर प्रवेश हमारा कहाँ है? अभी तो हम बाहर बाहर जी रहे हैं, बाहर की दुनिया से हम परिचित हैं, अंदर की दुनिया से
जहाँ पूर्ण शांति है, निर्मलता है, निरवता है, उसे हमारा परिचय कहाँ है? वो आपका अस्तित्व है, आपका होना, आपका स्वरूप है, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंदमय, असंग, अद्वैत, अकेला। वाक्य संयम हो, इंद्रिय संयम हो और मनोवृत्ति में हर समय आत्मचिंतन का काम हो, तब अंतर की यात्रा शुरू होगी और तब अपने आप से मुलाकात होगी। सद्गुरु कबीर की दो साखियों के आधार पर थोड़ा मैंने कहा कि शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। शून्य सहज मन सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर का पट इंद्रिय संयम, मन जो बाहर सोच रहा है वो सोचना बंद करें, कुछ नहीं सोचना है कि है किसी चीज़ के बारे में। जितना बाहर का सोचना बंद होता जाएगा उतना ही मन अंतर प्रवेश करता जाएगा, तब अंतर के राज्य में हमारा प्रवेश हो सकेगा। बत्तियां बुझा दो थोड़ी देर के लिए, सब स्थिर आसन से बैठें ध्यान का अभ्यास करने के लिए।